मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो अमानत हो। जाना चाची। मलिक साहब 2 दिनों के लिए जमीनों पर गए हुए, हमें इससे अच्छा और मौका नहीं मिलेगा। महर चाची, आप चाचा की गैर मौजूदगी में दोबारा ऐसा कुछ ना करें जो मेरी जिंदगी को फिर से बेमोल कर दे। तुम ये बच्चा चाहती हो या नहीं? कैसी बातें कर रही हैं चाची, वही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। लेकिन तुम्हारे चाचा ये कह के गए हैं कि जब मैं वापस आऊं तो ये बच्चा इस दुनिया में ना रहे। मैं सार किस नहीं होने दूंगी। मैं भी यही चाहती हूं। बाप कितना भी सख्त हो लेकिन बाप होता है। तुम्हारी जरार से जो भी नाराजगी है, जो भी खफगी है, लेकिन जब जरार को इस बात की खबर का पता चलेगा सब कुछ भूल जाएगा। हमारे बीच की नाराजगी और रंजिश मामूली सी नहीं है। जो भी है, लेकिन है तो ये खुशी की खबर ना। जब इस खबर का जरार को पता चलेगा तो जरार के रवैये में और तुम्हारे ससुराल वालों के रवैये में फर्क आ जाएगा। मैं जानती हूँ उन्हें, ऐसा कुछ नहीं होगा। खुदा मत बनो, तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। देखो, बहस करने का टाइम नहीं है हमारे पास, उठो, हमें देर हो रही है। अगर चाचा को पता चल गया तो उन्हें गुस्सा आएगा। अल्लाह तुम्हारे हक में सब कुछ बेहतर करेगा। मलिक साहब जो कुछ भी चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो, तुम्हारे हक में बेहतर हो। और जब तुम्हारे मुस्तकबिल में सब कुछ बेहतर होगा तो मलिक साहब को कोई एतराज नहीं होगा, उनका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। मेहरा में देर हो रही है, उठ जाओ। हाँ, क्या कर डिस्चार्ज कर देंगे आज? नहीं अम्मी, आज तो ऑब्जर्वेशन रखना है उन्होंने, मेरे ख्याल कल तक। आप ऐसा करें कि आप घर चलें, बहुत थक गई होंगी सारी रात से जाग रही, क्योंकि मैं भी घर जा रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है ऑफिस। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। बल्कि मैं जरीना को फ़ोन कर देती हूँ, वो सूप बना देगी। जब आओ तो समरा के लिए लेते आना। अभी मुझे देर हो जाएगी, ये जुनैद का है। जब भी फ्री हो ले आना। आंटी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जरार के साथ घर चली जाऊँ। मैं अपनी गाड़ी में चली जाती, लेकिन मेरी गाड़ी जुनैद के पास है। घर से मुझे ज़रूरी सामान और अपने कपड़े लेने। कपड़े और सामान क्यों बेटा? समरा भाभी की शाम तक तबीयत बेहतर होगी तो मैं बाबा के साथ घर चली जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? टूटी, आपकी आंखों के सामने है सब कुछ। ना सब कुछ होने के बाद भी जुनैद को ना शर्मिंदगी है और ना नदामत है, बल्कि उसका रवैया फिर भी सवाल कर रही है। माना मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन किसी की बेटी तो हूँ ना, इंसान हूँ मैं। मेरा भी दिल है, जज्बात है, दिल तो खाए मेरा। आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे, मेरी बर्दाश्त। घर जाना है, मैं गाड़ी में हूँ नीचे। सुनिए, क्या कह रही है जुल्मी? अगर ये चली गई तो मेरी समरा का क्या हो? अपनी बेटी के बारे में सोच रही है। सुनी, गलत नहीं कह रही इस बात, फिर उसका भी सोचिए। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।